नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आप सभी भाइयों का स्वागत है। ये मेरा YouTube का ब्लॉग चैनल है। मुझे ब्लॉगिंग करने आता नहीं, फर्स्ट टाइम मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं ब्लॉगिंग का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैं आशा करूँगा कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे वीडियो को लाइक भी करेंगे। ये देखिए हमारे रिजवान भाई हैं, ये देखिए हमारे रिजवान भाई है, फ़ोन पे बिजी हैं। ये देखिए चमड़ा कटिंग कर रहे हैं, चमड़ा कटिंग करने के बाद इस तरह निकलते हैं और फोन पे बिजी हैं। बीवी से बात कर रहा हूँ यार, और बीवी से बात कर रहे हैं, बीवी से बात कर रहे हैं, गाँव में बहुत बिजी हैं। रिजवान भाई हैं, ये देखो चमड़ा काट रहे हैं। किसका, मेरे बैल का होगा या भैंस का चमड़ा होगा। और ये बहुत ही अच्छे कारीगर हैं, पिछले 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। देखो चमड़ा कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह निकलता है ये चमड़े का फीचर। ठीक है, मोस्टली मशीन में इस्तेमाल किया जाता है ना भाइयों। और ये अपने काम में बिजी भी है और फोन पे बात भी कर रहे हैं और अपने काम में एकदम मन लगा के काम कर रहे हैं भाइयों। इनका नाम है रिजवान, पिछले 5 साल से काम करते हैं, अच्छा खासा सैलरी मिलती है इनको। चमड़े का पीस है, भैंस का या मेल का चमड़ा है जो भी होगा। हेलो दोस्तों, अपने राजू भाई हैं और देखिए बैठे हैं चेयर पे, चाय पी रहे हैं। अभी देखिए जा रहे हैं और अभी चाय पियेंगे वहाँ। देखिए इनका पीछे का भाग है और बहुत ही अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं। देखिए पैर में चप्पल भी है और एक हाथ में चाय एक हाथ में पानी है। मशीन के बगल में ही खड़े हैं, चाय पी रहे हैं, बोझ मार रहे हैं, बोझ दे रहे हैं कि देखिए मैं कितना भारी भरकम हूँ, उनसे कोई पंगा नहीं ले सकता है। पर कुछ काम करने के लिए अगर कह दिया जाए, नहीं कुछ काम करने के लिए अगर कह दिया जाए। ये देखिए यहाँ साफ्टिंग पड़ी है, इसको कहा जा रहा है पॉलिश करने के लिए। क्या ये मशीन जो खड़ी दिख रहा है ना सामने, इसको फिटिंग करना है। अरे भाई साहब को 2 से 3 बार क्या 15 बार बोल दिया गया, भाई साफ्टिंग पॉलिश कर लो, मशीन फिट करना है। अरे भाई साहब को समझ में नहीं आ रहा है, बस अपनी शरीर दिखाया जा रहा है। क्या इनका कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए, इसलिए हो सकता है, इसलिए कपड़ा गंदा ना हो इसलिए नहीं करना चाहते हैं, या हो सकता है संडे है इसलिए आज नहीं करना चाहते हैं। पर राजीव भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, कभी कभी मूड जब इनका बदल जाता है तो 1 घंटे का काम 10 मिनट में कर देते हैं। हो सकता है आज कुछ मूड डिस्टर्ब होगा इनका, इसलिए करना नहीं चाहते हैं, इसके अंदर कुछ कमी होगी, उनसे अब जाके ही पता चलेगा। पर अभी जा नहीं सकते उनके पास क्योंकि वो थोड़ा नाराज़ दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम उनके पास जाएंगे तो हो सकता है कुछ भी कर सकते हो, हमारा ही नुकसान हो जाए, इसलिए चलो दूर से ही उनका वीडियो बना रहे हैं। और ये देखिए हमारे मशीन है, ये हमारे रिजवान भाई हैं, ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मशीन कब फिट हो, साफ्टिंग कब फिट हो, सॉरी साफ्टिंग कब पॉलिश हो और ये मशीन फिट हो। ये देखिए तंबाकू बना के खैनी बना के मुँह में डाल के खा रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, ये हमारा वीडियो बन रहा है। ये अपने कुछ देर पहले अपनी वाइफ से बात कर रहे थे बात करते करते बोले भाई मैं बात कर रहा हूँ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। अरे फोन हंस रहे हैं, मुझको छोड़ के भाग गई है, जिसकी वजह से अब ये तीसरी शादी करने वाले तो ठीक है। और दुआ कीजिएगा क्योंकि तीसरी शादी जल्द से जल्द हो। और बहुत अच्छे आदमी है, दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं और शक्ल के भी अच्छे हैं, अकल के भी अच्छे हैं और मन के भी अच्छे हैं बेचारे, बस थोड़े सांवले से हैं और बाकी कुछ नहीं। ये देखिए राजू भाई इनके पास आ गए, राजू भाई को समझा रहे हैं कि टेंशन मत ले, तेरी तीसरी शादी हो जाएगी, उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये देखिए अभी राजू भाई कुछ बोले हैं, रिजवान भाई खुश हो गए हैं, भाई टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी जल्दी जल्दी हो जाएगी। और बैठे बैठे रो रहे थे, मैं भी आशा करता हूँ कि अगले महीने की शादी होने वाली है, लड़की देखने जाने वाले हैं, आशा करता हूँ लड़की पसंद आ जाए और हो सकता है हमको अपने शादी में बुलाएं, बाराती बना के ज़रूर बुलाएंगे। और खुश हैं बेचारे, हम चाहते हैं कि इनकी जल्दी जल्दी शादी हो जाए, घर बस जाए, अच्छा हुआ इनके बच्चे नहीं थे, नहीं तो फिर और टेंशन में रहते रो रहे हैं, देखो रो रहे हैं। हाँ ठीक है भाइयों, ये वीडियो बना रहे हैं हम, एक्चुअली मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मैं ब्लॉगिंग चैनल खोला हूँ, फर्स्ट मेरा ब्लॉगिंग है, इस ब्लॉगिंग में कुछ कमी रह जाए वो माफ़ करना। देखिए राजू भाई गए हैं अभी मशीन पे, अभी हो सकता है साफ्टिंग पॉलिश कर देंगे और हो सकता है मशीन कंप्लीट हो जाए, फिट हो जाए। दोस्तों देखिए साफ्टिंग पॉलिश हो रही है, अपने हेमंत भाई पॉलिश करें,
ये 10 मिनट का काम है, अभी 15-10 मिनट में करके निकाल देंगे। और अपने रिजवान भाई हैं, उनको हौसला अफजाई किए भाई, साहब की सिफारिश कर दो, आपकी सेवा को कर नहीं पाएगा, नहीं तो मशीन अगर कंप्लीट नहीं होगी तो हमारी सैलरी नहीं मिलेगी। इसलिए रिजवान भाई के कहने पे हेमंत भाई साहब की इनको पॉलिश कर रहे हैं, देखिए मशीन है, ब्लैक मशीन है, देखिए राजू भाई यहाँ पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो, हम वाड़ी बंदर में हैं कंपनी में, और ये देखिए हमारे हेमंत भाई हैं और हमारे रिजवान भाई हैं, साथ में बैठे हैं। हेमंत भाई देखिए बहुत हमेशा मोबाइल में बिजी नहीं रहते हैं, काम भी करते हैं, क्या थोड़ा आज काम थोड़ा स्लो है इसलिए बैठ के आराम कर रहे हैं। और ये अपने देखो हेमंत भाई मोबाइल का फ्लैश जला रहे हैं। रिजवान भाई काम हो गया, क्या कर रहे हैं आप, खाना ना खा लिया? हाँ खाना ना खा लिया। अच्छा अच्छा, अभी क्या मशीन फिट होने जा रही है क्या? हाँ, कब हो जाएगी? अभी हो जाएगी, एक घंटे में। कौन सी अपना, ये वाली मशीन है क्या? हाँ ये वाली मशीन है। अच्छा अच्छा, और क्या करें, तुम्हारी बीवी फ़ोन की थी ना? अरे नहीं, हाल चाल तो ले गई भाई। अच्छा हाल चाल ले लिए? हाँ। अच्छा अच्छा, मस्त है ना, मजे में ना? हाँ, तो रात वाली अच्छी है सब। चलो ठीक है भाइयों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ कमी हो ब्लॉगिंग मेरे भाइयों को माफ़ करना, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करने आता नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस नहीं है उतना, क्या है फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग करने में कुछ उतना आइडिया नहीं रहता है, भी नए हैं आप। मैं आशा करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।